हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, एक बार फिर से मैं साड़ी वाली वीडियो लेके आ गई हूँ और इसमें मैंने दो तरीके से फ्रंट प्लीट्स बनाना सिखाया हुआ है। अगर हैवी बॉर्डर है तो पल्लू वाले प्लीट्स भी मैंने बहुत इजी तरीके से बनाए हैं, आप वहाँ से सीख सकते हैं। अगर आप साड़ी पहनना सीख रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो सबसे पहले ये पहला वाला पार्ट जो है, इसको टक करेंगे और ध्यान रखें कि टक करने से पहले इसको थोड़ा सा खींच लें और इसको टाइटली टक करें, जिससे साड़ी आपकी बिल्कुल फिट दिखेगी। और इसके बाद पल्लू वाला पार्ट ऐसे रफली पकड़ के अपने लेफ्ट शोल्डर पे रख लेंगे पीछे से घुमाते हुए। अब सबसे पहले तो पल्लू की लंबाई डिसाइड कर लेनी है, आपको कितना चाहिए। वैसे घुटने के हल्का सा नीचे रहे, थोड़ा सा नीचे घुटने के तो अच्छा लगता है। मैंने घुटने से थोड़ा नीचे ही पल्लू की लंबाई रखी हुई है। तो अब बारी आती है फ्रंट प्लीट्स बनाने की। तो प्लीट्स बनाने से पहले इसको टाइटली खींच लेंगे और खींचने के बाद आपको एक सेफ्टी पिन चाहिए। और इस तरीके से आप देख सकते हैं, पकड़ के थोड़ी सी साड़ी इधर से इस तरीके से लेकर इसको पिनअप करेंगे पेटीकोट से लेते हुए। अगर इस तरीके से आप पिनअप करते हैं तो आपकी साड़ी फटने का डर बिल्कुल भी नहीं रहता है। अभी आप देख सकते हैं साइड में कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो अब बारी आती है प्लीट्स बनाने की। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि साइड का पार्ट बिल्कुल टाइट हो चुका है। तो अभी आप जिस तरीके से प्लीट्स बनाते हैं, छोटे बड़े, वैसे आप बना सकते हैं, जैसे आपको ईजी लगता है। जब सारे प्लीट्स बन जाए तो हल्का सा इसको शेक करना है, जिससे बीच में जो प्लीट्स फंस गए हैं वो अच्छे से सेट हो जाएं। इसके बाद सारे प्लीट्स को बराबर से पकड़ने के बाद टक कर देंगे। और जब भी आप प्लीट्स को टक करते हैं तो ध्यान रखें बेले बटन के सामने नहीं तो हल्का सा राइट में आप टक कर सकते हैं। इस तरीके से साड़ी और ज़्यादा खूबसूरत दिखती है और आप देख सकते हैं साइड में कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और प्लीट्स को एक बार फिर से थोड़ा सही कर लेंगे। सारे प्लीट्स को एक साथ पकड़ने के बाद दो तीन बार ऐसे हाथ से ही प्रेस कर देंगे तो ये सेट हो जाएगा। इसके बाद बड़े वाले सेफ्टी पिन को लगाना है। इसको सांस अंदर खींचते हुए इस तरीके से पेटीकोट से लेते हुए इसको लगाना है। और आप देख सकते हैं इसे साड़ी बिल्कुल भी नहीं खुलेगी, आप चाहे डांस करो, सो, उठो, बैठो, कुछ भी करो। तो इसके बाद मैं ओपन पल्लू रखूँगी क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है, आपको पता ही है। और यहाँ पर मैं पिनअप कर लूँगी। तो इसके बाद मैं अपने पल्लू को थोड़ा सा सही कर लूँगी क्योंकि बॉर्डर जो है साइड का वो दिखना चाहिए। तो इस तरीके से आप सही कर सकते हैं। तो कैसा लगा कमेंट करके बताना। और इसी वीडियो में मैं और तरीके से प्लीट्स बनाना मैंने बताया हुआ है, तो आप बने रहिए इस वीडियो में। पल्लू के प्लीट्स बनाना सिखाती हूँ। तो इस तरीके से आपको पकड़ना है और आप ऐसे भी बना सकते हैं या फिर आप फ्रंट प्लीट्स जैसे बनाते हैं आपको वैसे बनाना है। आप पतला मोटा अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जैसे आपको पसंद है। तो सबसे पहले आपको जिस तरीके से आपने प्लीट्स बनाए हैं इसको ऐसे बराबर से पकड़ते जाना है और पीछे की साइड लेते जाएंगे इसको। अभी मुश्किल सबसे ज़्यादा कहाँ आती है मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि हैवी बॉर्डर की साड़ी में ये मुश्किल आती ही आती है। और आप कितनी भी बार अपने प्लीट खोल खोल के बनाओ वो बनता ही नहीं है। तो आपको मैं एक ट्रिक बताऊँगी, आप ऐसा कर सकते हैं। वैसे मेरी साड़ी का बॉर्डर आपको ज़्यादा हैवी नहीं लग रहा होगा, लेकिन इसमें जो फ्लावर बना है ना उसकी वजह से पिन लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेना है क्योंकि इसमें आप और कुछ कर ही नहीं सकते हैं। और अगर आप इसको फोल्ड नहीं करेंगे ना तो जो आपके पल्लू के प्लीट्स हैं बहुत ज़्यादा चौड़ा दिखेगा और देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं मैंने इसको पिन लगा लिया है और थोड़ा सा अपने प्लीट्स को अपने हाथ से ही सही कर लूँगी। तो कैसा लगा ये ट्रिक, अच्छा है ना। आप देख सकते हैं कि प्लीट्स कितने ज़्यादा बराबर से बने हुए हैं। वैसे आप कितनी भी बार साड़ी खोल खोल के प्लीट्स बना लो, बनते ही नहीं हैं। चलिए एक और ट्रिक मैं आपको बताती हूँ फ्रंट प्लीट्स बनाने का। तो अपने प्लीट्स मैंने खोल दिए हैं जो पहले बनाए हुए थे, तो इसको इस तरीके से साइड का थोड़ा सा मैंने छोड़ दिया है। और इसके बाद आपको ऐसे सिंपली प्लीट्स बना लेने हैं जैसे आप बनाते हैं। और ये वाला ट्रिक मैंने अपने कई साड़ी के वीडियो में बताया हुआ है, ये मुझे इतना ज़्यादा पसंद है कि मैं ऐसे ही साड़ी पहनती हूँ। और मैंने सोचा कि अगर आप लोगों ने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप इससे सीख सकते हैं। और जब भी आप प्लीट्स बनाते हैं तो ये बात का ध्यान रखें कि पहला प्लीट्स जो है वो बड़े होने चाहिए सारे प्लीट्स से, तभी आपकी साड़ी बिल्कुल फिट बैठती है। नहीं तो पहला वाला प्लीट्स वो इधर उधर ऐसे भागता है कि वो सेट ही नहीं होता है।
सारे प्लीट्स को पकड़ लेने के बाद शेक करना है, जिससे कोई भी प्लीट्स अगर बीच में फंस गया है तो वो निकल जाए, क्योंकि अगर वो बाद में निकलेगा तो तंग करेगा। और इसके बाद इस तरीके से पकड़ के अपने बेली बटन के सामने टक कर लेना है। इसके बाद आपको लेना है एक बड़ा वाला सेफ्टी पिन, और अंदर सांस खींचते हुए इस तरीके से आपको पिनअप करना है पेटीकोट से लेते हुए। आप कभी भी किसी भी स्टाइल में साड़ी पहने अपने प्लीट्स को इसी तरीके से पिनअप करिए तो बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। अब जो मैंने साइड में छोड़ा था, इसको दूसरी साइड से इस तरीके से आप देख सकते हैं साड़ी बीच में थोड़ा सा निकाल लेंगे, और हाथ डालते हुए दूसरी साइड जो मैंने छोड़ा है उसको खींच लेना है, और इसको बिल्कुल टाइटली खींचना है। आप देख सकते हैं खींचते ही कितना अच्छा शेप बन गया है, और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। इस तरीके से साड़ी पहनते हैं तो लोगों की नज़र आपसे हटेगी ही नहीं। और इसको खींचने के बाद आप चाहें तो इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके इसको टक कर सकते हैं, और नहीं तो पिनअप कर सकते हैं अपने पेटीकोट से लेते हुए, जैसा कि मैं बताऊँगी। इसमें मैंने ट्विस्ट करते हुए जो है टक किया है। आप चाहें तो उसी जगह पर पिनअप कर सकते हैं अगर आपको डर है खुलने का, वैसे खुलता तो नहीं है बिल्कुल भी। तो है ना साड़ी पहनने का ये इजी तरीका, कैसा लगा कमेंट करके बताना। और हाँ, अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलती हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।